नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आप मेरे साथ टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर हैं, मेरा नाम है अंकित त्यागी। कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग इतिहास की बात करते हैं और भारत के इस लंबे इतिहास में जिस तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती हैं, हर तरह से लोग उसको समझते हैं, ऐसा ना हो जाए जहां मैं और आप खड़े हैं उसको लेकर भी कुछ खुदाई शुरू हो जाए, कुछ नया कंट्रोवर्सी। क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार पर एक नया बवाल शुरू हो गया है। आज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया। मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। उनका दावा है कि मीनार भगवान की मूर्ति है। उसका ये भी जो लोग संगठन हनुमान चालीसा वहां पर पाठ करने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कुतुब मीनार का निर्माण मंदिर को तोड़कर हुआ था, लिहाजा इसकी पड़ताल होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि दावों में सच्चाई कितनी है। ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पर आज तमाशा क्या हुआ जरा देख लीजिए। कुतुब मीनार के सामने बड़ा हंगामा हो गया। कुतुब मीनार के सामने ही पूजा होने लगी। कुतुब मीनार के सामने मंत्र पढ़े जाने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। कुतुब मीनार के सामने जय हनुमान के नारे लगने लगे। हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की मांग है कि कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत दी जाए, क्योंकि यहां सदियों पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं। हालांकि इस हो हल्ले से पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर तैनात थी। जैसे ही बवाल बढ़ा, प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए, इसी मांग के साथ आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इस वक्त कुतुब मीनार की तरफ बढ़ रहा है और उनका यही मांग है कि उसका नाम बदला जाए। और जप रहे हैं इस वक्त वो हनुमान चालीसा। सड़कों पर इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है और एक आह्वान शुरू हुआ है कि कुतुब मीनार का नाम अब विष्णु स्तंभ में बदल दिया जाए। ये विक्रम स्तंभ जो है, ये विक्रम आदित्य, सम्राट विक्रम आदित्य ने इन स्तंभ का निर्माण किया था। हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। सदियों तक यहां पूजा होती थी। इनका दावा है कि जिस निर्माण को कुतुब मीनार कहा जा रहा है वो कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है, लिहाजा हिंदुओं को यहां पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए। देखिए, ये तो हमारी चीज थी, हम वापस ले रहे हैं ना। विष्णु स्तंभ पहले था, मुगल आए, मुगलों ने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। अब हमारे घर में कोई टैग लगा दे अपने नाम का तो उसका हो नहीं सकता। ये सनातनियों की धरोहर है, वो सनातन धरोहर को मैं वापस लेना चाहती हूँ। उनकी नाराजगी इस बात पर भी है कि भगवान गणेश की दो मूर्तियाँ कुतुब मीनार में उल्टी लगी हैं, उनको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार को बदल दिया जाए, यानी कि वो नाम है उसको लेकर एक लड़ाई शुरू हुई है। और मंगलवार के दिन आज यहाँ पर बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा की गई थी, क्योंकि वो हनुमान चालीसा पाठ कुतुब मीनार के अंदर पढ़ने का आह्वान था, लेकिन वहाँ पुलिस संख्या बहुत ज्यादा मौजूद थी। तो इस वक्त कुतुब मीनार दूसरी तरफ आपको नजर आ जाएगा, कुतुब मीनार के सामने पीछे की तरफ जो इस वक्त इलाका है, भूल भुलैया है, वो वहां पर बैठकर इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। कुछ महीने पहले राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन तरुण विजय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में मांग की गई कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित विवादित ढांचे में उल्टी लगी भगवान गणेश की दो मूर्तियों को या तो ठीक करवा दी जाए या फिर उसे हटा दिया जाए। हालांकि इसको लेकर अलग अलग मत भी है। कुतुब मीनार विश्व धरोहरों में से एक है, इसका निर्माण 1192 ईस्वी में किया गया था। मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से संकरी बनाई गई है। 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। इसकी हर मंजिल के चारों तरफ छज्जे भी हैं। पहली 3 मंजिलें सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। वहीं चौथी और पांचवी मंजिल पर संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे के हिस्से में कुवतुल इस्लाम की मस्जिद बनी है। दावा किया जाता है कि यह भारत में बनने वाली पहली कुछ मस्जिदों में से एक है। बहरहाल, ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार पर हो हल्ला
ऐतिहासिक इमारतों के विवाद की अगली किश्त है। विडंबना देखिए कि सालों पहले कुतुब मीनार का निर्माण एक सत्ता को स्थापित करने के लिए किया गया था और अब सदियों बाद वो फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। गौरव भसीन। अब इस पूरे जो चालीसा का तमाशा वहां पर इन्होंने करा लोगों ने बैठ के, और उसके बाद ये कहा कि ये मुगलों ने इसका नाम दे दिया था। ये मुगल शासन से बहुत पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था। थोड़ा सा हिस्ट्री का सामान्य ज्ञान की कमी जरूर है लोगों में, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि देश में महंगाई जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है, बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब पर गंभीर चर्चा होने की बजाय देश में ऐतिहासिक इमारतों को लेकर हर रोज एक नया विवाद जरूर देखने को मिल जाता है। वहीं दिल्ली के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने एक नया खेल और शुरू कर दिया। अब उनका नया खेल ये है कि वो चाहते हैं, एक के बाद अब देखिए कि अब चुनाव से पहले क्या क्या चीज़ें होता है, एमसीडी चुनाव की बात कर रहा हूँ। उनकी मांग यह है कि दिल्ली में 5 प्रमुख सड़कों का नाम बदल दिया जाए। ये सड़क है तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड। उनकी मांग है कि ये नाम मुगल काल की गुलामी के प्रतीक हैं और इन्हें बदल देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग रख दीजिए, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड रख दीजिए, औरंगजेब लेन का बदलकर अब्दुल कलाम लेन रख दीजिए, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड रख दीजिए, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल विपिन सिंह रावत रोड रख देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप चाहें तो इतिहास को, जो भी कुछ अपने हमारे इतिहास में हुआ है, उसको बदलने के लिए नाम बदलकर अपने इतिहास को मिटा जरूर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नाम बदलने से देश के लोगों का हित साध हो पाता हो, लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव हो पाता हो, तो देरी किस बात की है, कल बदल दीजिए। अब नाम बदलने और ऐतिहासिक इमारतों पर राजनीतिक विवाद भड़क तो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों को नौकरी देने में नाकाम है, महंगाई बढ़ रही है और देश की संपत्ति बेची जा रही है, और वो हमारे जो देश के गरीब हैं उस मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। केंद्र सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, यही वजह है कि ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। अगर इसमें दम है तो ताजमहल, लाल किले और मंदिर को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग इस देश को देखने के लिए बाहर से आते हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है, अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। अब महबूबा मुफ्ती जी ने ऐतिहासिक इमारतों पर सरकार पर हमलावर जो है वो क्यों इतना आक्रोशित है। कश्मीर में पूजा पाठ को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। अनंतनाग जिले में एक सूर्य मंदिर में पूजा पाठ पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा खुद पहुंचे, और फिर क्या था देखिए कैसे राजनीतिक दांव पेश शुरू हो गए। मान्यता है कि बड़े दिनों से देव प्रसन्न नहीं है, तो नाराज देवता को मनाने के लिए कश्मीर के अनंतनाग वाले सूर्य मंदिर में मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ की। देवता माने या नहीं पता नहीं, कश्मीर की राजनीति में इस पर बवाल जरूर शुरू हो गया है। मनोज सिन्हा जब पूजा पाठ करने पहुंचे तो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाकायदा कई राज्यों से पंडित बुलाए गए थे, हवन की व्यवस्था की गई थी, मंत्रोच्चार किया गया, चंद घंटे तक पूजा पाठ होती रही। पूजा संपन्न हुई तो सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, जहां हजारों कश्मीरी छोटे छोटे आरोपों में जेल में बंद हैं, वहीं राज्य के मुखिया ईएसआई संरक्षित स्थल पर पूजा पाठ करके नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं।
बीजेपी कह रही है कि नाराज देवता को मनाने के लिए पूजा पाठ जरूरी है, जबकि जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में इस बात पर घोर नाराजगी है। महबूबा मुफ्ती ने तो इसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कश्मीर जो देवों की धरती है, तो ये मान्यता है कि बड़े दिनों से देव प्रसन्न नहीं है, तो ये सारा प्रयास जो अभी बड़े देश भर के सभी भागों सभी राज्यों से यहाँ एक प्रयास हो रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। यहाँ बिजली पानी सड़क तरक्की पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ हमारे हजारों की तादाद में हमारे नौजवान छोटे छोटे बिल्कुल जो कोई चार्जेस ही नहीं है ऐसे उनको बंद करके रखा है जेलों में, और यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो SI के पास है, जहां पूजा नहीं कर सकते। जिस मंदिर में मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की उसे लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि इसका निर्माण कश्मीर के महान राजा ललितादित्य मुक्त पीड़ा ने किया था, जिसे बाद में किसी इस्लामिक शासक ने तोड़ दिया। फिलहाल ये सूर्य मंदिर ASI के अधीन है, शायद इसीलिए इस पूजा पाठ से ASI को शिकायत भी है। पूजा पाठ के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा ASI का कहना है। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना नियम के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर का एक दूसरा सच ये भी है कि राज्य कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, हर दिन कश्मीर की सियासत में उथल पुथल दिखता है। ऐसे में राज्यपाल की ओर से उठाया गया ये कदम सियासी बवाल बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात और साफ है, ये बवाल तुरंत खत्म होता दिख भी नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन बंगाल हिंसा को लेकर मिला है। वहां पर उन्होंने गवर्नर शिकायत की है, बंगाल हिंसा के पीड़ित परिवार भी गवर्नर से मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तथा कथित हत्या को लेकर जितना बवाल मचा हुआ है उसको लेकर गवर्नर के पास पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन के लोग, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर गवर्नर से शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहुंचे हैं और परिवार से भी मिलाया गया है। चलिए आते हैं वापस दिल्ली, जहां पर कल शाहीन बाग से बुलडोजर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि वहां पर जो MCD कमिश्नर है, बाद में उन्होंने बताया कि देखिए वहां पर खुद ही अतिक्रमण लोगों ने हटा लिया तो हमारे पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। लेकिन आज फिर से जरा बुलडोजर की रफ्तार पकड़ी गई। कुछ पॉश इलाके जो कहे जाते हैं, जैसे कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहां पर भी थोड़ी तोड़फोड़ हुई, सड़क के किनारे बनी अवैध दुकानें तोड़ी गई। सवाल ये है कि बुलडोजर तो जिस तरीके से रुकता नहीं दिख रहा है उस पर राजनीति भी दबा के जारी है, और अब लिस्ट में कौन कौन से इलाके हैं इस खबर में देखिए। दीवारें गिरा दी गई, गुरुद्वारा रोड से अशोक पार्क तक टेंपरेरी इंक्रोचमेंट MCD द्वारा हटाई जा रही है। उखाड़ दिया गया फुटपाथ, जमींदोज हुए अवैध होर्डिंग, अवैध निर्माणों पर चला हथौड़ा, आलीशान मकान बदरंग हो गए। ये गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर का एक्शन नहीं है, बल्कि दिल्ली के VVIP इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर कानून का थपेड़ा पड़ा है। करोड़ों के मकान के मालिकों के अवैध कब्जे गिराए गए, सालों से सड़क पर बने उनके निर्माण जमीन में मिला दी गई, कहीं बाउंड्री वॉल गिरा तो कहीं फुटपाथ पर किया निर्माण टूटा। सारा अवैध
जगह है जो बसाई गई है उसको पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम के पोस्टर, कुछ रद्दी कबाड़ और यहाँ पे एक कूलर आपको नजर आ रहा होगा जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से गिरा दिया गया है, इस जगह को खाली किया जा रहा है। एनसीटी के अधिकारियों का कहना है कि इसी तरह का यहाँ पे टेम्परेरी अरेंजमेंट अधिकांश लोग यहाँ पे करके रहते हैं जो कि गलत है। एमसीडी का एक्शन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को मुक्त कराने का था, लेकिन दलील दी जा रही है 30 साल से लोग यहां रह रहे हैं। एमसीडी ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, अब अचानक कार्रवाई क्यों? बात यही की जा रही है, जो लोग यहां पे 25-30 साल से रह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यहां पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। हमारे पास घर के कागज हमारे मौजूद है, ये घर की महिला है जिनके घर के तोड़फोड़ की गई, जिनके घर की पूरी बाउंड्री ध्वस्त कर दी गई। यानी अतिक्रमण इतना पुराना था कि लोग भूल गए कि सरकारी जमीन तक फैल गए हैं। गुस्सा इस बात पर ज्यादा है कि इतने सालों बाद एमसीडी की नींद क्यों टूट गई है। सब तो ठीक ही चल रहा था, उल्टे फुटपाथ पर निजी गार्डन बनाकर मोहल्ले को खूबसूरत बनाए हुए थे। हम कहाँ जाएंगे आप बताइए, हमें तो शौक लग गया ये कर रहे लोग। What have we done? Living here for I don't know how many. मैम लेकिन आपने बात तो रखी, आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि सर आप लोगों को कुछ भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं? No, we were not informed. We were clearly not informed. We are not fools. Living here for past 30 years, we were not informed. मैम ये कहा जा रहा है कि जो बाहर ग्रिलिंग की थी उसकी परमिशन नहीं थी, आप लोगों को लगता है कि आपको लगता है ये इतना सुंदर हमने प्लांटेशन किया हुआ है, ये यहाँ पे हमने वी आर ट्राइंग टू इनक्रोच एनीथिंग, दिस इज अ हाउस, इट्स अ हाउस, देयर इज माय चाइल्ड लिविंग हियर, देयर इज अ फैमिली लिविंग हियर, आपको लगता है ये हमने इनक्रोच करने के लिए इतना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है? जो यहाँ इनक्रोच करते हैं यहाँ पे आधे आधे तक यहाँ पे रेड़ियाँ लगती हैं, वहाँ तो ये लोग हटाते नहीं है और हमारा घर तोड़ दिया है। सिटी का कहना है कि पहले से कहा गया था मैम आप लोगों ने, ग्रेट अगर वो हटा रहे हैं वेरी नाइस, बट एट लीस्ट देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन। कौन समझाए कि फुटपाथ चलने के लिए होता था, इस पर फूल पत्ती उगाने से पैदल चलने वाले फुटपाथ पर चल नहीं पाते। और धीरे धीरे फुटपाथ से सड़क तक पहुंच जाता है और इन अवैध कब्जे से सड़क संकरी हो जाती है, नतीजा रास्ते में जाम लगता है। दिल्ली के एक और वीवीआईपी कॉलोनी वसंत कुंज में आज बुलडोजर फुल एक्शन में था। एमसीडी के अधिकारियों ने फुटपाथ पर अवैध कब्जों पर खूब सरकारी हंटर चलाया। ये दुकान अब से थोड़ी देर पहले तक एक फलती फुलती दुकान थी जहां पर लोग अपने सर्विसिंग कराने या फिर अपने गाड़ी के तमाम काम करवाने आते थे, लेकिन अवैध अतिक्रमण को लेकर के जैसे ही मौके पर एसडीएमसी की टीम पहुंची और निगम के कर्मचारियों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तो ये खड़ी जेसीबी ने अपने पंजे के जरिए इसे तोड़ दिया, इसे या यूं कहें कि धाराशाही कर दिया। लेकिन यहाँ के जो दुकान के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इसको लेकर के कोई भी नोटिस नहीं मिला था, हम इनसे बात भी करेंगे। ये 10-15 दिन पहले भी जब भी नहीं दिया, जब भी सामान उठा कर ले गए हैं, देखो आप कोई नोटिस आप लोग को नहीं दिया? कुछ नहीं दिया भैया, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं बताया। सवाल जरूर ये उठता है, अतिक्रमण हटाना बिल्कुल जायज है, पर इतने सालों से अतिक्रमण होता कैसे है? एमसीडी के कौन से वो अधिकारी और लोग जिम्मेदार हैं जो अतिक्रमण होने देते हैं, उन्हें इसका फायदा क्या होता है, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए और क्या पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, क्या नोटिस दिया जाता है, ये सब भी सवाल है। अब दिल्ली में बुलडोजर पर एक्शन जो हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी सामने सामने खड़ी हुई है। इतनी तीखी बहस चल रही है कि लगता है जुबानी बुलडोजर चल रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, जरा पूरी राजनीतिक नूरा कुश्ती जरा सुन लीजिए आप। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर की पहली झलक मिलते ही दहशत फैल गई। भारी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती बता रही थी कि अफसर हर हालत से निपटने के लिए तैयार थे। बुलडोजर एक्शन वाले इलाके में पुलिस बैरिकेडिंग से किलेबंदी की गई थी।
तैयारी पूरी होते ही बुलडोजर एक्शन में आ गया। एक के बाद एक अवैध निर्माण गिराए जाने लगे। फुटपाथ पर बने अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। हंगामा मचा तो विधायक मुकेश अहलावत बुलडोजर के सामने आ गए और एक्शन के खिलाफ सरकारी अफसरों से भिड़ गए। बुलडोजर के पास पहुंच गए हैं लोकल विधायक मुकेश अहलावत सुल्तानपुरी के विधायक। अब बुलडोजर के पास पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाया जाएगा। यहाँ के लोकल विधायक यहाँ पहुंच गए हैं, बुलडोजर के पास पहुंच गए हैं और लोकल लोग भी साथ में। क्या कह रहे हैं आपका सर? ये है जब यहाँ के स्थानीय लोग ये अपने आप हटाने के तैयार है तो बुलडोजर क्यों चल रहा है? जब सब लोगों ने हटा लिया फिर क्यों आप लोग तंग करने में लगे हो? आप ये बताओ, सब लोगों ने हटा लिया वहाँ से देखो आप लोग। मुकेश जी क्या विरोध है आपका? आप ये सब हटा दिए यहाँ पर सबने, फिर क्यों तंग कर रहे हो बताओ लोगों को? क्या विरोध है आपका? विरोध क्या मुकेश जी, क्या क्यों रोक रहे हो? लोगों ने हटा लिया, लोगों ने हटा लिया और फिर भी घेर लिया। लोगों ने कोई तरीका थोड़ी ना होता है, लोगों ने हटा लिया तो विरोध है आपका इस चीज से? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। गरीब आदमी है। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत की दलील थी कि जब लोग खुद अवैध कब्जा छोड़ रहे हैं तो फिर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या है? बुलडोजर रोकने की विधायक जी की जिद जब बढ़ गई तो उन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। रोकने की कोशिश की है जिसके बाद विधायक को यहाँ के लोकल एसएचओ साइड ले गए हैं। हालांकि कहना है दिल्ली पुलिस का कि विधायक से बात हुई थी कि किसी तरीका का विरोध वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमने देखा है कि अभी फिलहाल जो विधायक थे उनको यहाँ से दूर किया गया है और पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी इस कार्रवाई के बीच में आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उनको तोड़ना पड़ेगा, तो उनसे बातचीत चली तो इसलिए ताकि रुकावट ना आए तो इसलिए हमने उनको डिटेन किया थोड़ी देर। कल शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने बुलडोजर का रास्ता रोका और आज मंगोलपुरी में मुकेश अहलावत भी यही कर रहे हैं। इस सियासी फायदे घाटी की लड़ाई में बीजेपी और आपके बीच तलवारें खिंच गई हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दिल्ली और देश की जनता उनको देख रही है कि जो सही कार्रवाई को रोक रहे हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या और अतिक्रमण करने वालों के समर्थन में है, जो आतंकी और दिल्ली के अंदर जो दंगे करा रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, उनको आने वाले चुनाव में वो लिटाने वाले। साल से कह रहे थे कि हमारे अंडर नहीं आता अतिक्रमण, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज 15 साल जब इनके पूरे हो गए और इनके टेन्योर को मात्र 7-8 दिन बचे हैं, 18 मई को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो ये कार्रवाई क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है आखिरी में पैसा कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चला तो कई मजबूर लोगों के घर उजड़ गए। कोई रेहड़ी लगाता था तो किसी के फुटपाथ पर चाय की दुकान थी, कोई फल की दुकान लगाता था, अब झटके में उनका कारोबार बर्बाद हो गया और वो सड़क पर आ गए। रोज रोटी कमा खाते थे, वो पेट पालते थे। हमारा टमाटर की धनिया मिर्ची की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी। हाँ जी, तो क्या बोला पुलिस ने कल आपको? बोला था हटाने के लिए। हटाने के लिए बोला, जब ही तो हटाया। हटाने के बाद भी तोड़ा जा रहा है? हटाने के बाद भी आपका सामने छोड़ दिया। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हम चोरी करने नहीं आते, खून कत्ल करने नहीं आते। हमारे पेट में लात मार दिया तो वो भी तो तोड़ो। कितने हटा लिया? और एक आवाज पे सब कुछ हटा लिया हमने। कल हमारा 4 बजे तक सब कुछ खाली पड़ा हुआ था, ये सुबह आके आपने देखा भी, और उसके बाद भी बिल्डोजर चलना था समझ में नहीं आई बात। जब हमने एक बार आप प्रशासन की पूरी बात मान ली, उसके बाद बिल्डोजर का तो कोई मतलब नहीं बना। बुलडोजर न धर्म देखता है, न जेब देखता है, न अमीर को पहचानता है और न गरीब को नकारता है। वो कानून से हांका जाता है, कानून की भाषा ही जानता है। मंगोलपुरी में यही हुआ। सवाल उठता है कि जब उजाड़ना ही था तो वो कौन लोग थे जिनके इशारों पर इन्हें बसाया गया? वो कौन अफसर थे जो सालों से इन अवैध कॉलोनियों पर आंख बंद किए रहे? एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 45 से 50 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में बसते हैं। सवाल उठता है कि अगर बुलडोजर ईमानदारी से चल गया तो इतनी बड़ी आबादी कहां जाएगी? मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये बात तो सत्य है कि बुलडोजर जो है वो कानून से हाका जाता है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ आजकल एक चीज जरूर देखता है,
चुनाव आने वाले हैं क्या? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे, चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए हैं, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, राज सत्ता आती जाती रहती है। राज ठाकरे ने कहा है लाउडस्पीकर हटाने पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो एक बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा राज ठाकरे ने कहा है। एक बार फिर से खुली चुनौती उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को, जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको देते हुए राज ठाकरे। एमएनएस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सक्रिय है और हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लगे जो लाउडस्पीकर है उसको लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाने की कोशिश में है। अब उस खबर की तरफ चलते हैं जिसकी चर्चा आजकल काफ़ी जोरों पर है। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज कोर्ट ने फिर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने तीखी बहस की। मामला एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और तहखाने की वीडियोग्राफी का है, लेकिन बात इतनी ही नहीं, बात यह भी है कि ज्ञानवापी पर एक के बाद एक जिस तरीके से कम लोग बाहर आके बातें कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें सामने रख रहे हैं, सवाल उठता है कि आगे होगा क्या। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने सभी पक्षों से बात की, देश भर के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का रहस्य खुल गया। साफ वो कलाकृतियां सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है वो तो सब दिखती है, और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। टाइम्स नाउ नौ भारत पर सर्वे से पहले मस्जिद के तहखाने की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये तहखाने की तस्वीर है, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये तस्वीर शायद ही किसी के पास हो। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जिस तहखाने तक सर्वे टीम को न जाने देने पर अड़ी है, उसके अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह के पास हैं, जिनका दावा है कि वो खुद कम से कम चार बार ज्ञानवापी के तहखाने तक जा चुके हैं, खुद अपनी अपनी आँखों से वहाँ हिंदू मंदिर के सबूत देख चुके हैं। तहखाने की ओरिजिनल तस्वीर है, आज भी खोला जाए तो ये इसी तरह से मिलेगा। तहखाना का जब दरवाजा खुलता है, खुलते ही अगर आप बाएं तरफ नजर डालेंगे, काफी लंबा चौड़ा तहखाना है जी। वो जो है तो एक दक्षिण दिशा के दरवाजा जो है वो व्यास जी के पास पानी, हम लोग उसी दरवाजे से घुसते हैं। ये तस्वीर आपने कब ली थी? ये तस्वीर 92 के आसपास की है, और उस समय केवल कलर फोटोग्राफी था और मोबाइल नहीं था, बहुत सारे साधन नहीं थे, नहीं तो हम लोग और भी उसकी सारे डिटेल्स निकाल सकते थे। और तहखाने में घुसने के बाद जो है बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर टूटे फूटे, जिनमें हमारे जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है मंदिर का, जो उसमें डिजाइने दिखती हैं, वो कलाकृतियां उसमें स्पष्ट रूप से बनी। इस तहखाने में क्या दिख रहा है, आपको थोड़ा सा समझाइए इसमें क्या। देखिए ये अब जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर टूटा हुआ है, इन पत्थरों में जो टूटे हुए अवशेष हैं, हम बहुत स्पष्ट इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखने पर साफ वो कलाकृतियां सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है वो तो सब दिखती है, और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। राम प्रसाद सिंह ने जिस व्यास जी का जिक्र किया, वो व्यास जी कौन थे, उनका ज्ञानवापी के तहखाने से क्या रिश्ता है, हर बात आपको बताएंगे, व्यास परिवार से मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह के पास ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनके जरिए वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे कर रहे हैं।
ये तस्वीर है, देखिए ये श्रृंगार गौरी की तस्वीर है और इसी श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन को लेकर इस वक्त न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है और श्रृंगार गौरी की ओर से 5 जो महिला याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये मांग की है कि श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन की इजाजत उन्हें दी जाए। बताइए ये तस्वीर कब की है और इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में बताइए। तस्वीर 92 की है जी, और जिस समय वहाँ का आंदोलन समाप्त हो रहा था यहाँ का आंदोलन शुरू हो रहा था हिंदू समाज की ओर से, उसी समय धीरे धीरे बांस बल्ली लगा करके बैरिकेड करना शुरू किए थे। उसमें साफ दिख रहा है कि बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है सामान्य तौर पर जैसे होता है, और 2-4 जो है सुरक्षा के लिए जवान तैनात है। बिल्कुल, हम आपको ये दिखा दें कि ये मस्जिद के पश्चिम छोर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा भग्नावशेष है और यहाँ पर जो नागर शैली, क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ये नागर शैली में पूरा ये मंदिर स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इससे साफ है कि मस्जिद के जो परिसर के आसपास का पूरा इलाका वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो अवशेष है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पर हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं, नागर शैली से जुड़े हुए जो कलाकृतियां हैं वो साफ देखी जा रही हैं। ज्ञानवापी विवाद में आज से 85 साल पहले 1937 में वाराणसी की अदालत का जो फैसला आया था उसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। तब से बरसों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था। व्यास परिवार मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर पूजा करता था। उस तहखाने में आज भी पुराने मंदिर से जुड़ी कई चीजें होने का दावा किया जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता रविकांत राय ने वाराणसी के उस व्यास परिवार से मुलाकात की जिनके पास ज्ञानवापी के तहखाने की चाबी होने की बाथ कही जाती है। पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा, हमारे नाना के नाना पर नाना के द्वारा लिखित वसीयत है, इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई है, उनके बाद जो है उन्होंने हमको शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा, उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था 1991 वाला, उसमें इसमें हमारा नाम चढ़ा और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान के दिए जा रही है एक दूसरे को। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की कानूनी लड़ाई आज की नहीं है। 1991 में सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे ने सर्वे के लिए वाराणसी की अदालत में याचिका लगाई थी, लेकिन इस याचिका के कुछ ही दिनों में मस्जिद कमेटी तत्कालीन केंद्र सरकार के बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाई कोर्ट चली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। 2019 में वाराणसी की अदालत में इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई। 1991 में जो 3 लोग अदालत गए थे उनमें से आज सिर्फ हरिहर पांडे ही जीवित हैं, जो आज भी दो टूक दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मंदिर है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, गुम्बद के रूप में एक बना दिए हैं, मस्जिद का स्वरूप दे दिए हैं, वो मस्जिद तो है ही नहीं है, गुम्बद है और हम लोग उस गुम्बद को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में कोई जाकर के नमाज अदा करे। जिसको आना है वह हर हर महादेव का नारा लगावे, वो अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगेगा और नहीं लगने दिया जाएगा। इतिहास ये भी है कि 1991 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा इलाका खुला हुआ था, लेकिन 1991 के बाद इसके परिसर को लोहे की बैरिकेडिंग से घेर दिया गया, यहाँ सुरक्षा बलों के कैंप बन गए। जब ये पूरी मस्जिद खुली थी तब भी इसके एक हिस्से का इस्तेमाल मंदिर के तौर पर होता था। विध्वंस के हिस्से पर माँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। 1991 तक ये मस्जिद वीरान ही रहती थी, कुछ ही लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद यहाँ अचानक नमाजियों की संख्या बढ़ गई।
हमारे पलनाना लोग गए हुए हैं, उसके पास 98 के बाद किसी को जाने का अधिकार ही नहीं है। उसके पहले जाते रहे, साल में एक बार पूजा के लिए उसको खोला जाता रहा। हम लोग तो बचपन से उसमें आते जाते रहे, लेकिन जब से 92 के बाद से वहाँ पे हो गया तो सिर्फ रामायण के लिए ही वहाँ पे बल्ली बल्ले रखने के लिए वहाँ पे मंदिर को खोला जाता रहा उसको। और उस तखाने में बल्ली रखना, हम लोग अंदर जब गए हुए देखे हुए हैं उसके अंदर, तो उसमें विग्रह छोटे मोटे शिवलिंग पड़े हुए इधर उधर से, मगर कोई वो मेन शिवलिंग नहीं था उसमें। तो बस यही बात चल रही है उसकी, तब से हम ही लोगों के पास उसका ताली है, और हम ही लोगों के पास एक प्रशासन के पास ताली थी, एक हमारे पास ताली थी। तो जो हम लोग साल में एक बार लेके वहाँ पे खड़े होते थे 92 के बाद से, तो प्रशासन और हमारी ताली मिला के वो ताले को खोली जाती रही, और उसके बाद अंदर बल्ली रखी जाती रही रामायण की। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का बंद तहखाना खुल गया तो मुगल बादशाह औरंगजेब के उस पाप का पिटारा भी खुल जाएगा जो उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर किया था। ज्ञानवापी के सच की तलाश में हम आपके सामने इतिहास के पन्ने खोल चुके हैं, कई दावे सुना चुके हैं। नंदी की इस प्रतिमा को भी दुनिया सालों से देखती आ रही है, जिसका मुंह आज भी मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। देखिए, जब मंदिर हमारा ध्वस्त हो गया, इन लोग लंबे समय तक वो किए, लगभग 100 साल तक, सैकड़ों साल तक उपेक्षित पड़ा रहा, हिंदू समाज फिर भी जाता था जी। और हमारे शास्त्रीय और मान्यताओं के अनुसार जो है मंदिर की परिक्रमा करता था, मंदिर के चारों तरफ बहुत मंदिर। ये नंदी है, ये एक और नंदी की फोटो है, और ये कहिए कि ये नंदी किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ, ये बताइए। नंदी का मुंह जो है आज भी किस तरफ नहीं, आज भी जी उसी काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मंदिर की ओर स्थापित किया गया है। यह नेपाल नरेश जी ने प्रेजेंट किया था जब महारानी लक्ष्मी ओ अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ताकि हिंदू समाज आए तो अपना यह मूल स्थान भूल न जाए और इसको भविष्य में समाप्त न हो जाए, इसलिए वहाँ बगल में ही एक मंदिर के अवशेष को जो है उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। कोई नया मंदिर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर नहीं जोड़ा था। कहा जाता है कि नंदी की प्रतिमा हमेशा भगवान शिव की तरफ होती है, ऐसे में इस नंदी की प्रतिमा के जरिए भी दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही असली और प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, जिसे औरंगजेब के राज में तोड़कर मस्जिद बना दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सच पर यकीन करना तो दूर, इसे सुनने तक को तैयार नहीं है। देखिए, जब मंदिर हमारा ध्वस्त हो गया, इन लोग लंबे समय तक वो किए, लगभग 100 साल तक, सैकड़ों साल तक उपेक्षित पड़ा रहा, हिंदू समाज फिर भी जाता था जी। और हमारे शास्त्रीय और मान्यताओं के अनुसार जो है मंदिर की परिक्रमा करता था, मंदिर के चारों तरफ बहुत मंदिर। ये नंदी है, ये एक और नंदी की फोटो है, और ये कहिए कि ये नंदी किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ, ये बताइए। नंदी का मुंह जो है आज भी किस तरफ नहीं, आज भी जी उसी काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मंदिर की ओर स्थापित किया गया है। यह नेपाल नरेश जी ने प्रेजेंट किया था जब महारानी लक्ष्मी ओ अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ताकि हिंदू समाज आए तो अपना यह मूल स्थान भूल न जाए और इसको भविष्य में समाप्त न हो जाए, इसलिए वहाँ बगल में ही एक मंदिर के अवशेष को जो है उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। कोई नया मंदिर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर नहीं जोड़ा था। जबकि हिंदू पक्ष का मानना है कि अगर मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हुई, सर्वे हुआ, तो पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन बीते शुक्रवार और शनिवार को मस्जिद में मौजूद भीड़ ने सर्वे टीम को अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। मस्जिद में मौजूद भीड़ एडवोकेट कमिश्नर और सर्वे टीम के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। बैरिकेडिंग के अंदर हम ये दो लोग जो पैर रखे थे, बहुत ज्यादा मुसलमान निकल के आ गए और आवाज देने लगे, ए अंदर मत घुसो। तो बल्कि हम लोग बोले कि क्यों, हम लोग का मंदिर, हम लोग घुसेंगे, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा संख्या में आ गए थे। अभी आपने जिनकी बात सुनी उनका नाम रेखा पाठक है। रेखा श्रृंगार गौरी केस की याचिका करता है, जो 6 और 7 मई को सर्वे टीम के साथ मौजूद थी। इनका दावा है कि मस्जिद की बैरिकेडिंग के बाहर जितना भी सर्वे हुआ उसमें भी हिंदू मंदिर के कई सबूत मिले। मस्जिद के बाहरी हिस्से में सर्वे टीम के कैमरामैन ने जो देखा आपको वो भी सुनाते हैं। कल आपने क्या क्या शूट किया, वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है, और कई जगह जो है आकृतियाँ हैं, स्वास्तिका कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया जी? आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े वो जी। और क्या देखा?
बस बाकी तो कमल कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? नंदी भी देखा, जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर, और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। आपने दावा सुना, अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जो सर्वे टीम ने देखी। सर्वे की टीम के दौरान जिस वीडियोग्राफर ने ये दावा किया था कि वहाँ पर कमल और शास्त्री के निशान हैं, ये वही तस्वीरें हैं। कुछ लगभग 19 तस्वीरों से मिलती जुलती आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं वो साफ तौर पे ये मंदिर की जो दीवारें हैं वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो मतलब साफ है कि मस्जिद के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे पर्दा शायद मुस्लिम समाज नहीं उठाने देना चाहता है। और यही कारण है कि सर्वे टीम को ये लोग बार बार वहां पर अंदर दाखिल होने से रोक रहे हैं। लेकिन मस्जिद पक्ष कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है। उसका दावा तो ये भी है कि कोर्ट की मस्जिद के अंदर सर्वे का कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। आप लोग की तरफ से ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्यों जो सर्वे या वीडियोग्राफी की बात नहीं हो रही, बल्कि श्रृंगार गौरी की और जो अन्य देवी देवता हैं उनके मंदिर के सर्वे और वीडियोग्राफी की प्लेन में जो बातें कही गई हैं, हमने उसी को कहा कि जो प्लेन में मांग की जा रही है उसी का सर्वे होना है, अलग से कोई चीज नहीं होना। प्लेन के बियॉन्ड तो कुछ मत करेंगे, जो बात आप प्लेन में रख कर कह के आ रहे हैं अगर अलग से कोई एप्लीकेशन देंगे तो उसका सर्वे नहीं होगा। ऐसे में वाराणसी की निचली अदालत के पिछले ऑर्डर में क्या लिखा है उसे भी हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। 26 अप्रैल 2022 के इस ऑर्डर पर साफ साफ लिखा है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान और सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि बहस के दौरान मस्जिद के वकील ने कहा कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को इस कारण से मस्जिद में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मुस्लिम धर्म का नहीं है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि वाराणसी की जिला अदालत ने 8 अप्रैल को इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। जैसे ही सर्वे की तारीख तय होने वाली थी मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया और मामले को लेकर पहुंच गई हाई कोर्ट, जहां पर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को 21 अप्रैल को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद कमेटी सर्वे और वीडियोग्राफी में अड़ंगा लगाने की कोशिश जानबूझकर कर रही है, क्योंकि कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, जो अदालत की सीधी सीधी अवमानना है। 9930 है वो तो संपूर्ण रकबा है, उस रकबे की हम बात कर रहे हैं, उस रकबे में कथित मस्जिद भी अवस्थित है, तो उसकी बात हम संपूर्ण रूप से कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरे परिसर की कार्रवाई हो, तहखाने तक की हो, और इसमें पर्टिकुलर हम किसी भाग की बात नहीं किए, क्योंकि ये जो दावा है संपूर्ण रकबे का है। जो ज्ञानवापी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में और बाहर नहीं कराया जा रहा है, करने दिया जा रहा है, उसके लिए धमकियां दी जा रही हैं, उस पूरे परिसर का सर्वे करा के इसका समाधान किया जाए। ज्ञानवापी विवाद का समाधान कैसे होगा, इसे लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या कहना है, हमने इसे लेकर दिल्ली से मुंबई और पटना से अहमदाबाद तक लोगों से बात की। असल में जितने भी बड़े बड़ी जो ऐतिहासिक जगहें हैं, ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में हर जो मस्जिद को ये बताया जा रहा है कि ये जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई है। क्या इतिहास के गड़े हुए मुर्दों को दुश्मनी का बीज बनाकर उन्हें बड़ा फलस्वरूप पेड़ बनाना है? आखिरकार क्या चाहते हैं ये कट्टरपंथी इस देश में? और ये सिर्फ एक बदनीयती के साथ इंसानों को इंसानों से लड़ाने, नफरत पैदा करने और उनमें धार्मिक भावनाओं की बुनियाद पर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे से मज़हब के नाम पर गोया दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि इलेक्शन और दूसरी तमाम चीज़ें जीती जा सके। ज्ञानवापी मस्जिद बोलिए, ज्ञानवापी मामला नहीं है वो, और वहाँ पर मस्जिद है और वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। बहरहाल मामला अदालत में है, सुनवाई जारी है, आगे का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, इस पर फैसले का इंतजार है। वाराणसी से रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत जरूरी खबर है, पहले जरा खबर आपको बता देता हूं, उसके बाद इस पर थोड़ी और चर्चा भी करेंगे। आपको बताते हैं लखीमपुर केस में, जिसमें अपनी थार से चार
किसानों को कुचलने के आरोप में जमानत रद्द होने के बाद वापस कोर्ट जेल में अंदर पहुंचे हुए हैं आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया, जो एमओएस यानी कि प्रधानमंत्री का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में अजय मिश्र टैनी उनके बेटे हैं वो आशीष मिश्र की। ये तस्वीर ज़रा देख लीजिए। आज आशीष मिश्र को जब कोर्ट में पेश करा जा रहा था तो अपनी मूछों पर ताव देते हुए जा रहे थे, मतलब ताव देते हुए ऐसे जा रहे थे कि जैसे ये किसी गंभीर आरोप में, हत्या के आरोप में, चार लोगों को कुचलने के आरोप में अंदर ना हो, बल्कि ये भगत सिंह हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए ये बहुत बड़ा नेक काम करके आगे जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मोनू भैया, अब जब लगता है कि कहीं ना कहीं मोनू भैया को लगता है कि पिताजी बचा ही लेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सेना में बहादुरों की बहादुरी के लिए 6 शहीदों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में तीनों सेनाओं के कई अन्य अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई खास अतिथि मौजूद रहे। हमारे देश के इन वीरों पे पूरे हमारी लोकतंत्र की टीम का नमन और धन्यवाद।